ये दोनों नहीं सुधरेंगे। अभी यहाँ दाना रखा हुआ था, सारा का सारा बिखेर दिया है, और ये अब इन सबको दाना दे दिया, और ये आप प्लाट की हालत तो देख ही रहे हैं कैसा हो रहा है ना। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज हमारा जितना भी मिनिस हुए ना, आप देख रहे हैं कैसी कंडीशन हो रही है सबकी ना। तो ये है कि इसको आज सही से प्रॉपर करके अभी ड्रम में पानी भर रहे हैं, फिर फाउंटेन में पानी भर देंगे, उसके बाद सारे में पानी छिड़काव करेंगे, और उसके बाद इधर हम गोबर शोबर डाल के और दो दिन तक इसमें रोज़ पानी डालते रहेंगे। उसके बाद हम इधर प्लांटिंग शुरू कर देंगे, अपने पौधे शौधे लगाना हम इधर फिर शुरू करेंगे। ग्रॉस ले आएंगे, वो जो वैसे लगाते हैं ना हाथ से, एक तो वो मिलती है जो प्लेट प्लेट सी होती है बनी हुई घास की ना, वो नहीं लगाएंगे, हाथ से लगाएंगे ताकि वो अच्छी जड़ पकड़ लेगी तो खुद ही ऑटोमेटिकली फैलती हुई जाती है फिर, सही है। ये बाकी हमारे कबूतरों को दाना वाना भरपूर डाला हुआ है अंदर ही, पानी वानी भी रखा हुआ है, इनको भी दाना वाना सबको कर दिया है, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है बॉक्स, ये हम अपने जो नए वाले चिक्स निकले हैं ना उनके अंदर हम वैसे ब्रूडर बनाए हुए, लेकिन अब ये वाले जो बच्चे हैं ना वो उनको उसमें डाल देंगे, और वो छोटे वाले बच्चे इसमें डाल देंगे। और अभी और एक बात और, हाँ, कि हमने आज बहुत सारे तकरीबन 30 के करीब अंडे इनक्यूबेटर के अंदर रखे हैं। इंशाल्लाह आप सब दुआ कीजिएगा कि वो अच्छे अच्छे करके निकल जाएं सारे के सारे बच्चे। और हमारी जमजम और हमारी लाली अभी इनको खल वाला पानी दिया है, वो मनाई ये उधर खा रही है, ये इधर खा रही है, लेकिन यार ये जमजम जो है ना बेचारी लाली को बहुत मारती है यार। लाली बेचारी बस ऐसे ही है, कमज़ोर मतलब ऐसे ही रह रही है जितना भी खा ले वो। ये थोड़ी काफ़ी सफाई कर दी है, काफ़ी सारी सफाई कर दी है, ये आग शाग जितना भी कचरा था ना इधर आग लगा दी है बिल्कुल ना, आग भी सही लगा दी है काफ़ी सारी आग थी। ये तो मैंने अभी थोड़ा सा कम हो गई है तो मोबाइल निकाला है, अदरवाइज़ बहुत सफाई हो गई है। अब ये है कि अब गोबर लेकर आता और यहाँ पर गोबर बिछाते हैं थोड़ी थोड़ी खुदाई करके ना। है दोस्तों सुबह से लगा हुआ और दो पौधे उधर लगा दिए अभी, सही है। यह है कि 3 घंटे खोदे में सफाई वफाई की है, वो कचरा सारा पड़ा हुआ था आग बाग जला दी उधर। ये क्या है कि इंशाल्लाह जल्दी जल्दी करते हैं और ना पौधे लेकर आते हैं और ना, और ये तो लगा ही दिया यहाँ पे हमने ना, ये गड्ढा खोद दिया, इधर गड्ढे खोद दिए, ये गड्ढे खोद दिए, और हाथ पाँव पूरा खुद, तो मैं आप जानते ही हूँ कैसे बुरा हुआ मैं आज। तो ये है कि इसके अंदर हम वो भी लिया है, इसमें गोबर है और इसमें वो पौधों वाली मिट्टी लेकर आ गए जो अलग से डालते हैं ना वो, ठीक है। और ये लगा दिया है, ये बड़ा अच्छा पौधा है देखें इंशाल्लाह, और वो ऐसे लगा दिया, पानी वाले डालेंगे ना ऐसा हुआ वो पूरे में फैल जाएगा इंशाल्लाह जल्द से जल्द। और बाकी ये है कि हम इन लोगों को अब बंद ही रखेंगे, बस थोड़ी देर सामने सामने खोलेंगे ताकि ये पौधों को ख़राब ना कर सके, और फिर हम वापसी डाल देंगे। ये क्या हुआ, एक अच्छा उधर नीचे बैठा हुआ था एक, सही है। इनका केज भी हमने सफाई कर दी, कबूतरों के केज की भी बिल्कुल सफाई करी हुई है देखें, ठीक है। लेकिन इनका ना यार पैर सही से नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए बिल्कुल ना। मैं कोशिश करने की लगा हुआ कि पैर बन जाए, इनका पैर बन ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे बनेगा। और हमारे चुन्नू मुन्नू को तो हमने बंद ही रखा हुआ क्योंकि ये सारा खोद देंगे, इनको खोला और ये सारा खोद देंगे, सही है। और हमारी बकरी बकरी यहाँ से तुम ले गए थे, यहाँ से भी काफ़ी सफाई कर दी है, और हमारी जमजम और हमारी लाली बेचारे बस ऐसे खड़े हुए हैं। लेके जाना था आज इनको, लेके नहीं गया मैं, पर ये है कि बस सही है माशाल्लाह सेट लगे हैं। भाई ये है कि परेशान है क्योंकि वहाँ पे हमें इनको बांधना था ना, तो वहाँ से भी ख़त्म कर दिया थोड़ा, इस तरफ करके इनके किल्ले गाड़ देंगे। खूंटा इनका भी हटा दिया मैंने यहाँ से क्योंकि पौधा करीब था, तो दो निवालों का पौधा होगा, ये सारा ख़त्म कर देंगे खा के वो, इस वजह से मैंने इनको अलग हटा दिया थोड़ा सा दूर करके, इनको यहाँ से या वहाँ पे करके ना इनको बांधेंगे, क्योंकि वो आपस में लड़ाई भी करते हैं ना, लाली और जमजम जो है दोनों में लड़ाई होती रहती है, थोड़े से खाने के अंदर वो कुछ भी एक साथ दो तो लड़ाई करते रहते हैं ये सारे के सारा दिन। ये है, उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल घर जू और हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।